हाय एवरीवन, वेलकम टू करंट क्रंच। तो लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक। आज हम कंप्लीट करने जा रहे हैं हमारा रॉबर्ट के मर्टन। ठीक है, आर के मर्टन आज कंप्लीट हो जाएगा। तो बिफोर आई स्टार्ट, एज ए ऑलवेज से डू गिव अ थम्स अप, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करें वीडियोस। कमेंट सेक्शन में बताएं आपको क्या पसंद आ रहा है और क्या पसंद नहीं आ रहा है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक से, विच इज़ कन्फर्मिटी एंड डिवियंस और मॉडर्न स्ट्रेन थियोरी। तो ये जो कीवर्ड्स है ये मेजर कीवर्ड्स है, ठीक है, जिससे आप समझ जाएंगे कि इनकी स्ट्रेन थ्योरी क्या कहती है। कन्फर्मिटी सिंपलर टर्म्स में हमें सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज में पता है, कन्फर्मिटी होता है जब आप कन्फर्म करते हैं टू द नॉर्म्स एंड वैल्यूज़। वो नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ आप फॉलो करते हैं और आपने अपने अंदर वो इम्बाइब किए होते हैं। और वो कन्फर्मिटी कैसे होती है? सोशलाइजेशन से, हायरार्की इन सोसाइटी, लॉज एंड रूल्स, आइडियोलॉजी, रिलीजन या वेस्टेड इंटरेस्ट। ये सारी चीज़ें आपको सिखाती हैं क्या नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ हैं सोसाइटी के, क्या नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ हैं, एंड आप उन नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ पे अग्री होते हैं और उनको फॉलो करते हैं। दैट इज़ योर कन्फर्मिटी। ठीक है, अब अगर नॉन कन्फर्मिटी आ जाए, दैट मीन्स जो एक्सेप्टेड पाथ है, जैसे यहाँ पे लिखा है जो एक्सेप्टेड पाथ है वहाँ से आप डिविएट कर रहे हैं, तो उसको डिवियंस बोलेंगे। अगर कन्फर्मिटी है एक सोसाइटी में, चलो एक फैमिली की बात करेंगे, उससे ज़्यादा समझ में आता है। फैमिली में सारे कंफर्म करते हैं इस वैल्यू पे कि सुबह उठ के हर कोई एक दूसरे को ग्रीट करेगा, चाहे वो सलाम करे, वो नमस्ते करे, जो उनका अपना वे है करने का। लेकिन अगर आप उसी फैमिली के हैं और आप ये नहीं करते कंफर्म इस वैल्यू से, आप बोलेंगे नहीं मेरे अंदर से वो नहीं आता कि मैं सबको ग्रीट करूँ, मेरी मर्जी, मुझे नहीं करना है। दैट मीन्स यू आर डिविएटिंग फ्रॉम द एक्सेप्टेड पाथ। तो आप एक डिविएंट है एंड दिस इज कॉल्ड डिवियंस सिंपल टर्म्स में। ये डिवियंस जो है या तो पॉजिटिवली सैंक्शन भी हो सकती है या इसको नेगेटिवली सैंक्शन भी किया जा सकता है। दैट मीन्स पॉजिटिव अगर सैंक्शन इसको किया जाएगा तो हम बोलते हैं इनको इसको रिवॉर्ड्स भी मिलते हैं डिवियंट्स को, और अगर नेगेटिवली सैंक्शन है तो उसको पनिशमेंट भी मिलती है। अब आप सोचो कि डिवियंट्स को रिवॉर्ड कैसे मिलता है। हम क्या करते हैं, हम किसी साइंटिस्ट की एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, तो उनका जो वे होता है काम करने का वो कंफर्म नहीं करते हैं जो स्टैंडर्ड एक्सेप्टेड वैल्यूज़ हैं। उनकी फैमिली लाइफ बहुत हद तक ख़त्म हो गई होती है, ठीक है, वो लैब में 24/7 वो लैब्स में होते हैं। फाइन, अगर आप उनके बाल भी देखेंगे, अनकेम्प्ट हेयर होता है, उनको अपने हेयर को भी ध्यान देने का, अपनी बॉडी पे ध्यान देने का उनको उतना उनके पास टाइम नहीं होता है। तो ये सारे जो चीज़ें कर रहे हैं अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं ये डिवियंस है, क्योंकि जो सोसाइटी के एक्सेप्टेड नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ है, खुद को ग्रूम करना, फैमिली को इतने आवर्स देना, वाइफ को इतने आवर्स देना, बच्चों के साथ इतना टाइम स्पेंड करना, तो ये जो एक्सेप्टेड वैल्यूज़ हैं वो ये फॉलो नहीं कर पाते क्योंकि दे आर डूइंग समथिंग फॉर अ मेजर कॉज, वो अच्छी चीज़ के लिए कर रहे हैं। तो उससे उनको क्या मिलता है, उनको रिवॉर्ड मिलता है, उनको नोबेल प्राइज़ मिलता है, एक रिकग्निशन मिलती है, ठीक है। तो आप उनको पॉजिटिवली सैंक्शन कर सकते हो या नेगेटिवली, जैसे आपके थीव्स हो गए, क्रिमिनल्स हो गए, उनको पनिशमेंट मिलती है। दैट इज़ नेगेटिवली सैंक्शन। वो कैसे आप करते हो? पनिशमेंट से। डिविएंट इन वन सोसाइटी मे बी नॉर्मल इन अनदर सोसाइटी। इसके लिए ने एग्जाम्पल ली है टेटॉन स्यू इंडियंस की ऑफ यूएसए। इनको लकोटा भी बोलते हैं, नेटिव अमेरिकन या इंडिजिनस कैनेडियन पीपल की एक कम्युनिटी है। ये क्या करते हैं, सन डांस सेरेमनी इनकी होती है, वो फॉर हीलिंग पर्पस के लिए इसमें सैक्रिफाइस वगैरह करते हैं, पर्सनल सैक्रिफाइसेस ऑफर करते हैं, म्यूटिलेट दियर बॉडीज़। अगर आप इनको इनके फोटोज़ अगर आप सर्च करोगे, इमेजेस देखोगे आप इस कम्युनिटी के, तो उन्होंने काफ़ी म्यूटिलेशन की होती है अपनी बॉडीज़ की, अजीब गरीब सी शक्लें बनाई होती हैं। इवन इन सन डांस सेरेमनी के टाइम पे भी खुद को म्यूटिलेट कर रहे होते हैं अपनी बॉडीज़ को, ठीक है। तो ये इनका ये करना इनके अकॉर्डिंग इट इज़ अ डिस्प्ले ऑफ वैलर, ठीक है, ये अपना वो एक ये दिखाते हैं डिस्प्ले, अपनी बहादुरी का डिस्प्ले करते हैं। लेकिन बाकी सोसाइटीज़ में इनको पागल बोला जाएगा, तो मतलब हमारे लिए ये डिविएंट हो गए। तो जो डिविएंट एक सोसाइटी में है, ज़रूरी नहीं आपकी सोसाइटी में भी डिविएंट हो, ठीक है। अब सोशियोलॉजिकली इसको एक्सप्लेन किया था, जैसे दुर्खेम ने भी बात की थी इसकी, मर्टन ने भी बात की थी। दुर्खेम ने क्या कहा था, फंक्शनल है सर्टन डिवियंस होना सोसाइटी में, क्योंकि वो क्या करता है, अगर रिकॉल दैट लेक्चर मैंने आपको ये पढ़ाया है, आई होप आपको याद हो, कि सर्टन एलिमेंट अगर डिवियंस हो तो वो बाकी लोगों के लिए एक यार्डस्टिक बन जाता है कि उनको क्या चीज़ नहीं करनी है, उनको डिवियंट नहीं बनना है। तो इन अ वे ये सोसाइटी की फंक्शनल, सोसाइटी एज ए होल के लिए ये एक फंक्शनल चीज़ है। मर्टन ने हमें क्या व्यू दिया था डिवियंस का, वो हम यहाँ पे देखेंगे। मर्टन ने आइडिया ऑफ डिवियंस एक्सप्लेन किया था सोशल स्ट्रक्चर एंड एनॉमी में। ये एनालिसिस है ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन कल्चर, स्ट्रक्चर, एनॉमी। ये इनकी थ्योरी में आपको भी समझ में आएगा सारा, ठीक है। कंसेप्शन ऑफ एनॉमी जो है उन्होंने लिया था अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ जो ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन चल रहा था उन सालों पर, ठीक है। तो जो आइडिया ऑफ एनॉमी है ये हमने पहले पढ़ लिया है दुर्खेम में, अगर आप इसको रिकॉल करोगे। दुर्खेम ने क्या कहा था, हमने एनॉमिक डिविजन ऑफ लेबर पढ़ा था दुर्खेम का। एनॉमिक डिविजन ऑफ लेबर, तो उन्होंने कहा था एनॉमी एक नॉर्मलेसनेस वाली स्टेट है, आ जाती है जब आपके को कोई रेगुलेट करने के लिए नहीं होता है, ठीक है, तो आप क्या करने शुरू हो जाते हो अपनी मनमर्जी काइंड ऑफ, तो एक पैथोलॉजिकल स्टेट आ जाता है जिसको पैथोलॉजिकल डिविजन ऑफ लेबर होना शुरू हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल अगर अनचेक्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी हो जाएगी तो अनचेक्ड डिविजन ऑफ लेबर भी हो जाएगा। ये सारा क्यों हो रहा है? क्योंकि एक एनॉमी वाली कंडीशन जो है अगर सोसाइटी में चल रही होगी, तो एनॉमी को इन्होंने फॉर्म ऑफ नॉर्मलेसनेस कहा था, ठीक है। दुर्खेम ने कहा था इट ऑलवेज हैज नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज लेकिन इट इज ऑल्सो ट्रांजिटरी इन नेचर, ये दुर्खेम का कहना था। मर्टन ने एनॉमी के बारे में क्या कहा, यही एक्सप्लेन करती है इनकी स्ट्रेन थ्योरी भी। मर्टन ने कहा था देखो मर्टन ने बेसिकली कहा सोसाइटी में दो चीजें होती हैं, कुछ कल्चरली डिफाइंड गोल्स होते हैं और कुछ स्ट्रक्चरल मीन्स होते हैं, जो सोसाइटी के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग कुछ मीन्स होते हैं और कुछ कल्चरली डिफाइंड गोल्स होते हैं, ठीक है, सोसाइटी में प्रेजेंट होते हैं। अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए कि इनके बीच में एक डिस्क्रिपेंसी आ जाए, दैट मीन्स एक गोल और मीन्स आप साथ में फॉलो नहीं कर पा रहे हो, तो क्या आपका कोई एक गोल है, कल्चरली डिफाइंड गोल है, एक लॉजिकल रैशनल गोल है और उसके लिए आप चाहते हो कि आप वो मीन्स फॉलो करो, लेकिन बीच में डिस्क्रिपेंसी आ गई, आप वो सही से दोनों साथ में फॉलो नहीं कर पा रहे हो, ऐसी सिचुएशन जो है इट रिजल्ट्स इनटू एनॉमी, ठीक है। और उन्होंने कहा था जो डिवियंस है इट इज अ रिजल्ट ऑफ दिस टाइप ऑफ एनॉमी, इट इज रिजल्ट ऑफ एनॉमी, ठीक है, इसको इन्होंने एनॉमी बोला था। और यही इनकी स्ट्रेन थ्योरी है कि अगर आप जो कल्चरली डिफाइंड गोल्स हैं आपके वो फॉलो नहीं कर पा रहे हो मीन्स की वजह से, या मीन्स आप फॉलो नहीं कर पा रहे हो गोल्स की वजह से, एक सोसाइटी में क्या आ जाता है, एक स्ट्रेन डेवलप होता है। और ये चांसेस हैं जो लोअर सो कॉल्ड लोअर क्लासेस हैं सोसाइटी की, उनमें ये स्ट्रेन डेवलप होने के चांसेस ज़्यादा है, इसीलिए जो डिवियंट्स हैं मोस्टली हमें उसी तबके से देखने को मिलते हैं, ये मर्टन का मानना है, मेरा नहीं है। He takes the example of American dream. American dream according to Merton क्या है कि वो लोग बिलीव करते हैं, they are socialized into believing कि हर किसी को equal opportunity मिलती है अचीव करने के लिए सक्सेस अमेरिका में, ठीक है। तो इन्होंने इसमें एग्जाम्पल दी लॉग केबिन टू व्हाइट हाउस फॉर एवरीवन, इसकी फिजिबिलिटी ऑफ जर्नी इन्होंने मेंशन की। लॉग केबिन टू व्हाइट हाउस हम यूजुअली किसके साथ एसोसिएट करते हैं, अगर आपको पता होगा अब्राहम लिंकन के साथ। अब्राहम लिंकन जो यूएस प्रेसिडेंट रह चुके हैं, केंटकी को बिलोंग करते थे, काफ़ी हम्बल बैकग्राउंड से थे, इस वजह से इनको लॉ कैबिन क्या होता है, वो लकड़ी का छोटा सा बना हुआ वो झोंपड़ा जैसा, इसीलिए इसको बोला जाता है। लॉ कैबिन से कहाँ पहुंचे थे, व्हाइट हाउस तक। तो इसको एज आप बोल सकते हो ये सिंबलाइज करता है, ये जो लाइन है यहाँ पे सिंबलाइज करती है बेसिकली एक वही हम्बल बैकग्राउंड से कैसे आप व्हाइट हाउस तक जा सकते हो, और इस जर्नी को रिलेट किया गया है यहाँ पे अब्राहम लिंकन के लिए ही यूज़ किया गया था, जो आई गेस 16th प्रेजिडेंट थे यूएस के। तो इन्होंने क्या कहा था, अमेरिकन सोसाइटी में कल्चर ग्रेट एम्फेसिस देती है मटेरियल सक्सेस पे। अगर आप पुराने लेक्चर्स रिकॉल करो पार्सन्स के, एक एस्क्रिप्टिव एंड अचीवमेंट एंड एस्क्रिप्शन बेस्ड ये था, पैटर्न वेरिएबल्स में हमने पढ़ा था। तो अचीवमेंट बेस्ड सोसाइटी है जो किस पे एम्फेसिस देगी, मटेरियल सक्सेस पे। बट पीपल फेल टू अचीव सक्सेस क्योंकि उनकी जो पोजीशन है सोसाइटी में वो उसमें उनको, आप देखो सक्सेस कैसे अचीव करोगे, आपके पास पैसा है, आपके पास नौकरी है, आपने पढ़ाई अच्छी की है, जॉब्स वगैरह, ठीक है, तो वो अचीव करने के लिए सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है। तो मर्टन आर्ग्यूज दैट दिस इज सो बिकॉज स्ट्रक्चरल मीन्स आर नॉट सफिशिएंट एंड ओनली इन फ्यू प्रिविलेज एंड ओनली अ फ्यू प्रिविलेज रीच द टॉप। दो कि ये सोसाइटी मटेरियल वेल्थ पे, सक्सेस पे बहुत ध्यान देती है, लेकिन मटेरियल सक्सेस को हासिल करने के लिए आपके जो टूल्स है इकोनॉमिक सक्सेस जैसे एजुकेशन, जॉब, उसके लिए सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है, जिसकी वजह से एक स्ट्रेन जो है सोसाइटी में डेवलप होता है, ये इनका कहना था। दिस रिजल्ट्स इन स्ट्रक्चरल स्ट्रेन, और ये क्या प्रोड्यूस करता है, डिवियंस। लोअर क्लास इंडिविजुअल्स आर मोस्ट लाइकली टू एक्सपीरियंस दिस स्ट्रेन बिकॉज दे एम फॉर द गोल सेम गोल्स एज रेस्ट ऑफ सोसाइटी, लेकिन उनको वो चीज नहीं मिलती है, ठीक है। मर्टन ने कहा था स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी जो है इटसेल्फ प्रोड्यूसेस डिवियंस। अब देखो यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन्होंने साइकोलॉजिकल फैक्टर्स को इंपॉर्टेंस नहीं दी थी डिवियंस प्रोड्यूस होने की रीजन का कॉज, इन्होंने कहा था वो है स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी। तो इन्होंने सोसाइटी को कहा था, ना कि इंडिविजुअल के अपने जो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं या इंडिविजुअल की जो अपनी पर्सनालिटी है उसको। अब देखो एक जो डिविएंट पर्सन है मे रिजॉर्ट टू वेरियस रिस्पॉन्सेज, एंड मर्टन ने इन्यूमरेट किए 5 अडेप्टिव रिस्पॉन्सेज। अब हमारे पास गोल्स हैं और हमारे पास मीन्स हैं उनको अचीव करने के, ठीक है, तो अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्स जनरेट होंगे कि आप, अगर हमारे पास पर्सन ए है, पर्सन बी है, पर्सन सी है, तो ए क्या फॉलो करता है, वो गोल्स फॉलो कर रहा है कि मीन्स फॉलो कर रहा है, बी क्या फॉलो कर रहा है, सी क्या फॉलो कर रहा है। अब उनके क्या रिस्पॉन्स होंगे, उनको इन्हें 5 टाइप्स में कैटेगराइज किया था, जिनको हम बोलते हैं अडॉप्टिव रिस्पॉन्सेज। जो हमें इजी टू अंडरस्टैंड हो जाएगा अगर हमें टेबल देखेंगे. ठीक है, 1 2 3 4 5. देखो कन्फर्मिस्ट लोग कौन से होते हैं, जो मीन्स भी प्रॉपर फॉलो करते हैं, गोल्स भी प्रॉपर, उनको पता होता है क्या उनको अचीव करना है एट द एंड. एग्जाम्पल स्कूल स्टूडेंट या अपनी आप एग्जाम्पल ले लो यूपीएससी एस्पिरेंट. आपका गोल क्या है? आईएएस ऑफिसर बनना. स्टूडेंट का गोल क्या होता है? कोई डिग्री हासिल करना या एग्जाम क्वालिफाई करना. उसके लिए वो एक रैशनल मीन्स यूज करता है. जैसे आपका रैशनल मीन क्या है? करंटली आप करंट क्रंच देख रहे हो सोशियोलॉजी के लिए. ठीक है, स्कूल स्टूडेंट क्या करता है? वो स्कूल जाता है रेगुलरली, वहां जाके क्या करता है? स्टडीज पे ध्यान देता है. फाइन, तो वो एक कन्फर्मिस्ट हो गया. वो कन्फर्म करता है बोथ टू द गोल्स ऑल्सो एंड टू द मीन्स ऑल्सो. अब इनोवेटर क्या होते हैं? उनको गोल्स पता है, उनको क्या अचीव करना है, चाहे वो सक्सेस हो, चाहे वो मनी हो. ठीक है, उसके लिए लेकिन वो रैशनली डिसाइडेड जो मीन्स होते हैं, उनको वो स्ट्रक्चर की सोसाइटी के अकॉर्डिंग जो मीन्स बने होते हैं वो फॉलो नहीं करते. सक्सेस के लिए वो क्या करते हैं? वो मनी के लिए क्या करते हैं? वो रॉबरी करते हैं. सक्सेस के लिए क्या करते हैं? आप बोल सकते हो वो अपने पार्टनर को चीट करेंगे. ठीक है, जो उनका बिजनेस पार्टनर है उसको चीट करेंगे, अपने जो उनके सीक्रेट्स होंगे कंपनीज के वो लीक करेंगे ताकि दूसरी कंपनी में जाके उनको ज्यादा हायर पोजिशन मिले. दैट मीन्स वो मीन्स फॉलो नहीं करते हैं. अब इसमें क्रिमिनल्स भी आते हैं, और जो मैंने आपको पुरानी एग्जाम्पल दी थी साइंटिस्ट्स की, इसमें आपके साइंटिस्ट भी आते हैं. वो पॉजिटिव डिविएंस हो गई काइंड ऑफ, क्योंकि उनको गोल पता है, उनका उनको एक रिकग्निशन चाहिए, समथिंग गुड फॉर सोसाइटी, वो ग्रेटर गुड के लिए कुछ कर रहे हैं. उसके लिए मीन्स प्रॉपरली फॉलो नहीं कर पाते, क्योंकि जो सोसाइटी के बने हुए कुछ स्टैंडर्ड्स हैं, कुछ टाइम लिमिट्स हैं. ठीक है, वर्क का कुछ टाइम लिमिट है, फैमिली का टाइम लिमिट है, या खुद को ग्रूम करने का एक तरीका है, वो फॉलो नहीं कर पाते हैं. रिचुअलिस्ट हो गए हमारे मिडिल क्लास, दो उनको पता है कि उनका गोल है कि हाँ हमें कुछ अचीव करना है, बट वो मीन्स में इतना एनग्रॉस हो जाते हैं कि उनको सही करना है, हमें सही तरीका चाहिए, हमें हर काम करने का सही तरीका चाहिए, चाहे एक दिन की जगह आपको 2 दिन लग जाए लेकिन तरीका सही होना चाहिए. ये वो वाली कैटेगरी है, इसमें ब्यूरोक्रेट्स, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, मिडिल क्लास लोग आ गए. रिट्रीटर हो गए, जिनको ना गोल से फर्क पड़ रहा है ना मीन से फर्क पड़ रहा है, ड्रग एडिक्ट्स के, हमारी भाई वी आर हाई, हमारी जो मर्जी हम वो करेंगे. रेबेलियन आपके रेवोल्यूशनरीज हो गए, कि वो आपके ना गोल्स मानेंगे ना आपके मीन्स मानेंगे, वो एक नया गोल अपना बनाएंगे और उसको अचीव करने के लिए नए मीन्स बनाएंगे, और बाद में वही जो नए गोल्स और नए मीन्स है वो सोसाइटी एक्सेप्ट करती है. वो इंस्टीट्यूशनलाइज हो जाते हैं इन सोसाइटी, वो आपके रेवोल्यूशनरीज हो गए. ठीक है, तो इसके अलावा बाकी अगर हम 4 रिस्पॉन्सेस देखें, इनोवेटर, रिचुअलिस्ट, रिट्रीटर और रेबेलियन, ये सारे एनोमिक रिस्पॉन्सेस हैं, क्योंकि ये वो सिचुएशंस हैं जब एक डिस्क्रिपेंसी आप देखोगे मीन्स में एंड गोल्स में. तो इसको आप ऐसे करके याद रख सकते हो. अगर आपको टेबल एक बार याद हो गया, आपको समझ आ गया टेबल की, आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. एग्जाम में आप टेबल ड्रॉ करोगे, फिर डिस्क्रिप्शन लिखना वुड बी वेरी ईजी फॉर यू. तो यही सारी चीजें यहाँ पे लिखी हैं, एक बार ये आप खुद ये देख लेना. कुछ समझ में नहीं आएगा तो आप मुझे बता सकते हो, बस इसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं लिखा है, वो सारा मैंने आपको बोल दिया जो इसमें लिखा है. ये डायग्राम भी काफी इंपॉर्टेंट और अच्छी डायग्राम है एक्स्ट्रा मार्क्स के लिए. देखो इंस्टीट्यूशनलाइज मीन्स और यहाँ पे गोल्स हो गए, गोल्स एक्सेप्ट किए मीन्स भी एक्सेप्ट किए तो कन्फर्मिस्ट हो गए, गोल्स एक्सेप्ट किए मीन्स रिजेक्ट किए तो इनोवेटर हो गए, गोल्स को रिजेक्ट किया और मीन्स को आपने एक्सेप्ट किया तो आप रिचुअलिस्ट हो गए, अगर दोनों रिजेक्ट किए तो रिट्रीटिस्ट हो गए, अगर आपने सब कुछ ही रिजेक्ट करके नए गोल्स और नए मीन्स बनाए तो आप रेबेलियन हो गए. ठीक है, ये हो गया 5 रिस्पॉन्सेज के अलावा बाकी सारे एनोमिक रिस्पॉन्सेज. डिवियंस की क्या सिग्निफिकेंस है? कि मिडिल रेंज फिनोमेना जो इन्हें कहा था उसको ही डिपिक्ट करता है, MRT को, एंड ये हाईलाइट करते हैं अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंस ऑल्सो, कल्चरली डिफाइंड गोल्स एंड मीन्स के इन टर्म्स ऑफ डिसफंक्शंस. ठीक है, तो इन्होंने अपना जो मॉडिफाई जो किया था एग्जिस्टिंग फंक्शनल अप्रोच, उसका हमें कहीं पे प्रैक्टिकल यूज भी देखने को मिला, क्योंकि जब आप गोल्स डिफाइन करते हो तो और मीन्स आपको पता है कि क्या होंगे, तो उसके अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेज भी हो सकते हैं इन टर्म्स ऑफ डिसफंक्शंस. ठीक है, जैसे इसमें इनोवेटर की एग्जाम्पल आप ले सकते हो, पैसा कमाना तो अच्छी बात है, और मीन्स आप फिर क्या फॉलो करोगे, ये डिपेक्ट करता है कि वो फंक्शनल है सोसाइटी के लिए कि डिसफंक्शनल है सोसाइटी के लिए, क्योंकि आप गोल्स में इतना ज्यादा डूबे हुए हो सकता है आप डिसफंक्शंस की तरफ चले जाओ और कोई डेकोइटी वगैरह. आगे देखते हैं जो 10 एनोमी जो है, इट इज अ पर्टिकुलर एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म, सोसाइटी के स्ट्रक्चर में प्रेजेंट है. ठीक है, जो क्योंकि स्ट्रक्चरल मीन्स हमें चाहिए वो गोल्स अचीव करने के लिए, तो इन्हें हर जगह सोसाइटी के स्ट्रक्चर की बात की है. और फंक्शनल भी है सोसाइटी के लिए, लेकिन इसके साथ साथ हमें पता है नियो फंक्शनलिस्ट थे, तो इन्होंने एनोमी को डिसफंक्शनल और नॉन फंक्शनल दोनों चीज़ों से रिलेट किया है। ठीक है, through the idea of anomy, Merton also introduced an element of criticism किसके against stratification, the process of stratification। ये हमें chapter 5 में पढ़ना है। chapter 5 में तो इसकी functional theory दी थी डेविस एंड मूरे ने, जिन्होंने क्या कहा था कि ये functional है for society, लेकिन आपको पता है मर्टन ने हमें dysfunctions और non functions की बातें भी बताई थी, तो आप बोल सकते हो stratification का भी criticism, stratification की functional theory का criticism भी इन्होंने हमें दिया था through his idea of anomy। तो मर्टन ने कहा था कन्फर्मिस्ट और जो कन्फर्मिस्ट होते हैं आर नॉट कन्फर्मिस्ट बिकॉज दे स्टैंड ऑपोजिट टू डिवियंट्स बट टू द फैक्ट दैट दोज हु आर कन्फर्मिस्ट एट वन पॉइंट आर डिवियंट्स एट द अदर पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दी, जरूरी नहीं जो आज कन्फर्मिस्ट है वो कल भी कन्फर्मिस्ट हो, वो कल हो सकता है डिवियंट हो, या जो आज डिवियंट है हो सकता है कल वो कन्फर्मिस्ट हो। इसकी बेस्ट एग्जाम्पल होमोसेक्सुअलिटी की है। पुरानी सोसाइटी में होमोसेक्सुअल्स जो यहाँ थे वो डिवियंट्स माने जाते थे, लेकिन अब इसको लीगलाइज किया गया है तो अब वो कन्फर्मिस्ट है। ठीक, अब इनको क्रिटिसाइज किया जाता है। इंटरैक्शन, अकॉर्डिंग टू इंटरैक्शनिस्ट लाइक हॉवर्ड बेकर, उन्होंने लेबलिंग थ्योरी दी थी, कहा था कोई भी डिविएंट वो कोई इंट्रिंसिक क्वालिटी नहीं है बिहेवियर की, हम इंसान को लेबल करते हैं एज डिविएंट एंड वंस नॉट डिविएंट, कि इंसान की बस लेबल होते हैं, जो उनको एक ग्रुप डिविएंट बोलता है और वो एक ग्रुप किसी और ग्रुप को डिविएंट बोल सकता है। तो बेसिकली ये लेबल्स पे ही काम चल रहा है, ये हॉवर्ड बेकर ने कहा था, इनकी लेबलिंग थ्योरी थी। ठीक है, Lamert in his Human Deviance, Social Problems and Social Control, as well as Laurie Tyler in his Deviance and Society कहा था those who wield power also decide who will be deviant। तो पावर की और पावरफुल होने की बात मर्टन ने मिस की थी, जिसको इन्होंने यहाँ पे पॉइंट आउट किया था। मर्टन refers to only goals and means, लेकिन बाकी aspects भी हैं social structure के जिनकी वजह से anomy हो सकती है। Fair enough। Albert Cohen ने कहा था deviance जो है वो specific subculture की वजह से हो सकती है, जो मर्टन्स ने डिस्कस नहीं किया था। ठीक है, तो सब कल्चर क्या होता है, बेसिकली एक मेन कल्चर के अंदर ही एक दूसरा कल्चर डेवलप होता है जो कुछ आइडियाज़ लेता है मेन कल्चर से, लेकिन उसका एक अपना कल्चर जो है वो मेंटेन रहता है, जैसे गॉथ वगैरह, गॉथ्स वगैरह, गॉथिसिज्म अगर आपने पढ़ा होगा, तो ये सब कल्चर्स हैं। और जो डिवेंट्स है वो स्पेसिफिक, तो जो मेन कल्चर है उसके लिए जो सब कल्चर वाले लोग हैं वो डिवेंट हो गए, तो जो डिवेंट्स है वो इज ड्यू टू अ स्पेसिफिक सब कल्चर। ठीक है, अल्बर्ट कोहेन फर्दर आर्ग्यूज कि मर्टन हैज़ फेल्ड टू टेक इनटू अकाउंट नॉन यूटिलिटेरियन क्राइम्स। उन्होंने डिसफंक्शन नॉन फंक्शन की बात तो की, लेकिन हमारे पास नॉन यूटिलिटेरियन क्राइम्स भी होते हैं जो बिना किसी गोल के लोग करते हैं। वैंडलिज्म या लॉयटरिंग मीन्स, ऐसे ही पंजाबी में इसको गेड़ी मारना बोलते हैं, कि विदाउट एनी गोल आप करे जा रहे हो बस ऐसे ही, तो उसमें भी थोड़ा सब कल्चर वाला आइडिया भी आ जाएगा, या आप बिना किसी गोल के बस आप कर रहे हो, तो उनको नॉन यूटिलिटेरियन बोलते हैं, उसकी कोई यूटिलिटी वैल्यू नहीं है। तो जहाँ पे इन्होंने गोल्स और मीन्स डायकोटोमी दी है वहाँ पे मिस आउट किया है इन्होंने ये वाला पॉइंट। शिकागो स्कूल ने एक लॉजिकल अप्रोच दिया था, जहाँ पे इन्होंने कहा था जो डिविएंस लेवल है वो वैरी करती है फ्रॉम एरिया टू एरिया डिपेंडिंग अपॉन द इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी एंड अदर फैक्टर। जो जितना इकोनॉमिकली प्रॉस्पर्ड ये नेशन है या सोसाइटी है वहाँ पे उतने कम डिविएंट्स होंगे, ये इनके कहने का मतलब था। और डिफरेंट इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी के अकॉर्डिंग डिफरेंट आपके जो डिविएंट्स हैं आपको मिलेंगे। Person at different times may respond to same type of social impetus differently. It shows that economic behavior depends upon the individual as well. इन्होंने किसको कहा था economic behavior किस पे depend करता है? आपका जो structure है society का, सोसाइटी के स्ट्रक्चर पे, क्योंकि वो मीन्स आप अचीव नहीं कर पाते हो और या तो आप गोल्स अचीव नहीं कर पाते हो जो सोसाइटी ने डिसाइड किए होते हैं। ठीक है, लेकिन इन्होंने कहा इंडिविजुअल पे भी डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल, दोनों के लिए सेम सिचुएशन है, एक चोर के अगर दो बेटे पैदा होते हैं तो ज़रूरी नहीं वो दोनों चोर बनेंगे, एक पुलिस ऑफिसर भी बन सकता है। हर किसी का रिएक्ट करने का, रिस्पॉन्ड करने का तरीका अलग होता है। दैट मीन्स कुछ तो उसमें इंडिविजुअल फैक्टर भी इन्वॉल्व है। तो दुर्खेम और मर्टन दोनों ने एनोमी की बात की थी। ये इन्होंने कहा था पैथोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ अदर सोशल फैक्ट्स जैसे डिवीजन ऑफ लेबर, इन्होंने स्ट्रक्चरल फिनोमेना इसको बोला था, इन्होंने टेम्पररी बोला था, इन्हें कहा था हमेशा सोसाइटी में प्रेजेंट होता है क्योंकि सम डिग्री ऑफ स्ट्रेन इज ऑलवेज देयर। इन्होंने कहा था सिनोनिमस टू नॉर्मलेसनेस, और इन्होंने कहा था इज नॉट नॉर्मलेसनेस पर से बट एज अ रिजल्ट ऑफ फ्रस्ट्रेशन टू अचीव फ्रॉम इनेबिलिटी टू अचीव कल्चरली डिफाइंड गोल्स। या आप गोल्स में इतना इनग्रॉस हो आप मीन्स फॉलो नहीं कर पाते हो। फाइन, ये पॉजिटिव इफेक्ट्स भी इसके हो सकते हैं लाइक इनोवेशन एंड रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन के जो बाद में न्यू गोल्स एंड मीन्स है वो इंस्टीट्यूशनलाइज करती है सोसाइटी, और इनोवेशन में पॉजिटिव कैसे, साइंटिस्ट की एग्जाम्पल लेकर। ठीक है, तो दिस कंप्लीट्स योर सोशल स्ट्रक्चर, स्ट्रेन थ्योरी और इनका एनोमी वाला सारा कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट विल मूव ऑन टू दी अनदर टॉपिक विच इज रेफरेंस ग्रुप। तो काफ़ी बेसिक सिंपल सा टॉपिक है रेफरेंस ग्रुप बेसिकली क्या होता है, अगर आप यूपीएससी एस्पिरेंट हो तो आपके लिए रेफरेंस ग्रुप क्या बनेगा, एक ग्रुप ऑफ पीपल जो आईएएस ऑफिसर्स हैं ऑलरेडी बन चुके हैं, ठीक है। तो आप रेफरेंस ग्रुप आप चाहते हो कि आप उस ग्रुप को फॉलो करो जो भी उन्होंने किया था और आप भी फाइनली इस ग्रुप में शामिल हो जाओ, तो ये होता है आपका रेफरेंस ग्रुप। ये कॉन्सेप्ट पहले हर्बर्ट हाइमन ने दिया था आर्काइव्स ऑफ साइकोलॉजी में, बट इट वॉज मर्टन जिन्होंने इसको फंक्शनल डायमेंशन दिया था इस वाले अपने वर्क में, ठीक है। ये प्राइमरीली इंस्पायर हुआ था सैमुअल स्टॉफर के द अमेरिकन सोल्जर से, जहां पे डिस्कस हुई थी सोल्जर्स की रिलेटिव डेप्रिवेशन वाली बात, ठीक है। तो जो रेफरेंस ग्रुप है इज डिफाइंड एज अ ग्रुप विद विच वन ऑलवेज मेक्स अ कंपैरिजन इन ऑर्डर टू इवैल्यूएट वन्स अचीवमेंट, एस्पिरेशंस, रोल, परफॉर्मेंस एंड एम्बिशंस। वो एक्ट करते हैं नॉर्मेटिव स्टैंडर्ड। ये रेफरेंस ग्रुप पढ़ते हुए वो यूपीएससी ग्रुप वाली एग्जाम्पल आप दिमाग में रखना, तो ये आपके लिए ज़्यादा ईजी हो जाएगा समझने के लिए। दो टाइप इन्होंने कहा था, रेफरेंस ग्रुप अलग होता है, इंटरेक्शन ग्रुप अलग होता है। इसमें आप सिंपली इंटरेक्ट कर रहे हो उनके साथ, लेकिन इसमें आप शामिल होना चाहते हो। तो ये जनरल है इंटरेक्शन ग्रुप और ये थोड़ा स्पेसिफिक होता है, फाइन। बट may neither set normative standards for individual nor serve as a standard of comparison। कौन सा ग्रुप? इंटरेक्शन ग्रुप, ठीक है। ऑन द अदर हैंड जो रेफरेंस ग्रुप है ये एस्पिरेशनल ग्रुप होता है एंड इज डिफाइंड इन नॉर्मेटिव टर्म्स एज स्टैंडर्ड ऑफ कंपैरिजन। आप खुद को कंपेयर करते रहोगे ना, बिल्कुल वो ऐसे पढ़ते थे मैं भी ऐसे पढ़ूँ, वो इतने आवर्स पढ़ते थे मैं भी इतने आवर्स पढ़ूँ, एक स्टैंडर्ड ऑफ कंपैरिजन और एक नॉर्मेटिव स्टैंडर्ड कि वो ये नॉर्म्स पैटर्न फॉलो करते थे, वो ये बुक्स फॉलो करते थे, मैं भी ये बुक्स फॉलो करूँ, तो वो आपका रेफरेंस ग्रुप होता है। इन्होंने कहा मेंबरशिप ग्रुप्स हो सकते हैं जिसके आप मेंबर हो, नॉन मेंबरशिप ग्रुप्स जिनमें आपको मेंबरशिप नहीं मिले, आप बस दूर दूर से उस ग्रुप को देख रहे हो, ठीक है, आप उस ग्रुप में शामिल नहीं हो। फर्दर मर्टन ने कहा पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। पॉजिटिव जहाँ पे आप जिस ग्रुप में आप शामिल होना चाहते हो जो आपके लिए रेफरेंस ग्रुप है, नेगेटिव रेफरेंस ग्रुप वो है जो आप नहीं बनना चाहते हो। ये वो यूपीएससी एस्पिरेंट्स है जो चाय की टपरी पे बैठ के सिर्फ चर्चा करते रहते हैं पॉलिटिक्स की। ये आपके पास रेफरेंस ग्रुप है कि आप भी यूपीएससी एस्पिरेंट हो, लेकिन आप ये वाला ग्रुप जो है इसको अवॉइड करना चाहते हो, तो वो आपके लिए नेगेटिव रेफरेंस ग्रुप रहा, जिन ग्रुप को आप यू विश टू अवॉइड दैट ग्रुप, ठीक है। और एक कॉन्सेप्ट है एंटिसिपेटरी सोशलाइजेशन जो इससे रिलेटेड है कि आप खुद को ऐसे मैनर में बिहेव करना चाहते हो जो मैनर उस ग्रुप का है, ताकि आपको उस ग्रुप की मेंबरशिप मिले। आप उन्हीं के अकॉर्डिंग ड्रेसअप, वैसे ही जैसे हाई सोसाइटीज़ में कोई अगर चाहता है कि वो भी हाई सोसाइटी क्लब में आ जाए तो वह अकॉर्डिंगली ड्रेसअप करेगा, उसी एक्सेंट में बात करेगा, ठीक है, क्योंकि उसको उस ग्रुप की मेंबरशिप चाहिए, उसको सोशलाइज होना है फाइनली उस ग्रुप से। तो एंटिसिपेटरी क्या होता है? टाइम से पहले। तो टाइम से पहले खुद को सोशलाइज करते हो आप किसी एक ग्रुप के तरीके से, ताकि आप बाद में उसी ग्रुप का एक पार्ट बन जाओ। तो इसके नेगेटिव भी हैं, क्योंकि अगर आपको वो ग्रुप जो है नहीं अपने अंदर, वो हाई सोसाइटी क्लब को पता है कि आप सो कॉल्ड लो सोसाइटी के हो, मैं आपको अपने ग्रुप में शामिल नहीं करूंगा, तो क्या हो जाता है, आप ना इधर के रह जाते हो ना उधर के रह जाते हो। तो इसके लिए टर्म दिया था उन्होंने मार्जिनल मैन, तो यू गेट रिड्यूस टू अ मार्जिनल मैन अगर आपको वहां पे एंट्री नहीं मिलेगी। Merton also suggested some factors which are decisive in making a group। क्या help करेगा? Power and prestige, कितना isolation है in the membership group, open group है या closed group है, reference individuals हैं या role models हैं या group, कैसे role models हैं और कैसे reference individuals हैं उस group के। यहाँ पे सिंपल सी बातें लिखी हैं रेफरेंस ग्रुप वगैरह की, कैन गो थ्रू दीज, ठीक है। अगर चॉइस ऑफ जो रेफरेंस ग्रुप है वो हमेशा सेम नहीं रहता है, ऑब्वियसली चॉइस चेंज हो जाती है तो रेफरेंस ग्रुप भी चेंज होते रहेंगे, और जनरेशन गैप भी होता है, हर जनरेशन का अलग रेफरेंस ग्रुप होगा। और यहाँ पे इन्होंने हमें और एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दिया था सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी का। इन्होंने कहा था कि देखो कोई एग्जाम्पल से बताती हूँ, अगर टीचर बोलता है ना कि ये स्टूडेंट जो है, स्टूडेंट एक्स, ये टॉप करने वाला है, ये हमेशा टॉप करेगा, और क्लास में भी ऐसी बातें होंगी कि ये जो स्टूडेंट है बहुत अच्छा है, ये अच्छा पढ़ता है, ये स्टूडियस है, इंटेलिजेंट है, अगर वो नहीं भी होगा अल्टीमेटली वो बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि उसको उसी इसमें आना है। वो पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म जो चल रहा है वो एक्टर को, वो स्टूडेंट को अपने पे ऐसा बिलीव होने लगेगा कि वो एक्चुअली में इंटेलिजेंट बन जाएगा, ठीक है। ऐसा होता है रियलिटी में भी, आपने देखा होगा कि अगर आप किसी फ्रेंड को नेगेटिव वे में भी बोलो ये तो ऐसा ही है, तो झूठा है, तो झूठा है, अल्टीमेटली अगर वो झूठा नहीं भी होगा वो झूठ बोलना स्टार्ट कर लेगा। तो इसको उन्होंने कहा था सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी, ठीक है। तो ये मेन जो ये थे आइडियोलॉजी और आइडिया इनके मर्टन के, ये हमारा खत्म होता है मर्टन चैप्टर, मर्टन थिंकर। यहाँ पे नेक्स्ट हम करेंगे जीएच मीड, और हमारा इसी के साथ 4th चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो टिल द टाइम आई अपलोड न्यू वीडियो, बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे एंड डू सपोर्ट, शो सपोर्ट टू माय चैनल, बाय।